नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद। वर्तमान वीडियो में आपको बृहस्पति देव यदि लग्न भाव में यानी कि प्रथम भाव में कुंडली के आके विराजमान हो जाते हैं तो वो क्या फल प्रदान करेंगे, इसके ऊपर कुछ ज्ञानवर्धन करूँगा। तो आप ये जान लीजिए कि जिस जातक की कुंडली में के प्रथम भाव में बृहस्पति या गुरु विराजमान हैं वह अत्यधिक गुणवान और धनवान होगा। चहुं ओर हर दिशा में उसका आदर और सत्कार किया जाएगा उसके गुणों के कारण। और ऐसा व्यक्ति यदि अंगूठा टेक भी हो यानी कि पढ़ा लिखा नहीं भी हो तब भी बहुत धनवान होता है। और सरकारी सहयोग से, रिश्तेदारों मित्रों की मदद से या फिर स्वयं के प्रयासों से ऐसा जातक हर आठवें साल में बड़ी तरक्की प्राप्त करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखने योग्य। और जब बृहस्पति लग्न में विराजमान है तो उनकी जो दृष्टि है बिल्कुल सामने सातवें घर पे पड़ेगी। और यदि सातवां घर जो कि रिलेशनशिप का, धर्म पत्नी का घर माना गया है, खाली पड़ा हुआ है वह और उसमें कोई भी ग्रह नहीं है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति की जो उन्नति है वो विवाह के बाद ही होती है। उसको सफलता, उसको समृद्धि, उसको धन संपदा जो प्राप्त होती है वो विवाह के पश्चात होती है। यदि बृहस्पति प्रथम भाव में है और शनि नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के अंदर शनि विराजमान है तो ऐसे जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आजीवन लगी रहती हैं। तो यदि बृहस्पति प्रथम भाव में है और राहु आठवें भाव यानी कि मृत्यु के स्थान में है तो ऐसे व्यक्ति के पिता की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से या अस्थमा के कारण होती है। आशा करता हूं यह सभी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी, आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।